गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वाइब्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। वाइब्रेशन जैसा कि आप जानते हैं कि मशीनरी जब वर्क करती है तो उसमें कुछ वाइब्रेशन यानी एक कंपन आ जाता है, कंपन होता है, और वो बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है। जैसा कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है जिसमें बैलेंसिंग हमने पढ़ाया था। तो अभी हम बात करते हैं वाइब्रेशन के टाइप के। तो तीन टाइप के वाइब्रेशन होते हैं, जैसे लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन एंड टॉर्जनल वाइब्रेशन। तो अगर हम इस तरह से ये एक शाफ्ट को एज्यूम करें, तो ये शाफ्ट दिख रहा है, ये शाफ्ट है, बी एक मिड पॉइंट है, और इसका मूवमेंट अप एंड डाउन हो जाए, यानी इसमें अगर हम कोई ऐसा फोर्स लगाएं और ये अप एंड डाउन मूवमेंट करने लगे, अपने एक्सिस के पैरेलल मूवमेंट करने लगे, तो ये भी एक वाइब्रेशन की कैटेगरी हुई और इस कैटेगरी को लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन कहेंगे। दूसरी कैटेगरी है, यहाँ पर ये देख रहे हैं शाफ्ट है, और इस शाफ्ट पर हम किस तरह से कोई फोर्स लगाएं जिसकी वजह से ये इस तरह से मूवमेंट करने लगे, यानी परपेंडिकुलर टू द शाफ्ट एक्सिस, नियर अबाउट और परपेंडिकुलर टू द शाफ्ट एक्सिस अगर ये मूवमेंट होने लगे, तो इस तरह के वाइब्रेशन को ट्रांसवर्स वाइब्रेशन कहते हैं। और तीसरा कंडीशन यहाँ दिख रहा है कि ये एक शाफ्ट है और इसका ये टॉप व्यू दिया हुआ है, यानी इधर से अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो ये इस तरह का दिखेगा, और इसमें इस तरह का कोई फोर्स लगाया जाए कि ये आपस में गोल गोल मूव करने लगे, यानी कि जो एक्सिस शाफ्ट की एक्सिस है उसके चारों तरफ इस तरह से मूव करने लगे, तो दिस इज कॉल्ड, मतलब इस तरह का जो वाइब्रेशन है उसे हम टॉर्जनल वाइब्रेशन कहते हैं। ये डिटेल्स हैं, इसमें आप देखना चाहें, लिखना चाहें पॉइंट वाइज इंग्लिश में तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्री लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। तो इसमें कई मेथड्स हैं, इसमें नंबर वन है एनर्जी मेथड। तो सबसे पहले तो हम कुछ कंसिडरेशन करते हैं, जैसे कि ये आपने स्मॉल देखा है, स्टिफनेस ऑफ द जो स्प्रिंग है या जो हम यूज करते हैं वो स्टिफनेस है। ये होता क्या है, तो ये होता है फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट, इसका जो यूनिट होगा वो न्यूटन पर मीटर या न्यूटन पर एमएम इस तरह से हो सकता है कि एक मीटर या एक मिलीमीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड स्टिफनेस, वो स्टिफनेस कहलाता है, ठीक है। दूसरा एम है स्मॉल एम मास ऑफ द बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम द कंस्टेंट, यानी जो स्प्रिंग अभी हम यूज करेंगे उस स्प्रिंग में मास हमने लगा रखा है, उसका जो बॉडी है उसका मास है, और उसी तरह से ये वेट होगा। फिर ये डेल्टा है स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग, यानी हमने जो वेट लगाया डब्ल्यू न्यूटन तो कितना डिफ्लेक्ट हुआ वो हमने एज्यूम किया हुआ है डेल्टा, एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट गिवन टू द बॉडी बाय द एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि हमने कुछ और अलग से फोर्स दिया जिसकी वजह से एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, कुछ सिर्फ डब्ल्यू की वजह से नहीं। अब यहाँ एक फिगर है, ये आपको दिख रहा होगा, ये सिंपल फिगर है, स्प्रिंग है जिसका स्टिफनेस एस है, एस मीन्स स्टिफनेस, ऐसे याद दिलाऊँ आपको कि क्या है, ये फोर्स रिक्वायर्ड टू डिफ्लेक्ट वन यूनिट मीटर और वन यूनिट मिलीमीटर अनस्पेंड पोजीशन, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें एक हमने डब्ल्यू का वेट एम जी वेट इसमें लगाया जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हुआ, और वो डिफ्लेक्शन कितना हुआ डेल्टा हुआ, तो ये डेल्टा डिफ्लेक्शन होने के बाद ये स्टेबल हो गया। तो स्टेबल होने के लिए जरूरी है कि बैलेंस होना चाहिए, जैसा कि आपने बैलेंसिंग में पढ़ा है, तो ये W इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू दिस वन, यानी कि जो स्टिफनेस से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्चुअल फोर्स पता चलेगा, यानी ये इस तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है S इंटू डेल्टा, एस स्टिफनेस है पर यूनिट एरिया पर यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए फोर्स है, और ये यूनिट डिफ्लेक्शन है, जितना डिफ्लेक्शन हुआ तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा वेट निकल आएगा, और ये वेट इक्वल होगा इस वेट के, यानी W इज इक्वल टू एम जी। अब नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पर है, इसमें हमने क्या किया कि x डिस्प्लेसमेंट और दिया बाय द एक्सटर्नल फोर्स, यानी हमने वोट वेट जो दिया था वेट तो लगाया था लेकिन वेट हमने और थोड़ा सा फोर्स देकर के छोड़ दिया, तो होगा क्या कि ये x डिस्प्लेसमेंट आएगा फिर उसके बाद वापस अपने मूवमेंट पर जाएगा, तो टोटल भी यहाँ पर फोर्स ऊपर से लग रहा है ऊपर की तरफ
वापस खींचने के लिए वो एस इंटू डेल्टा प्लस एक्स, जैसे कि यहाँ पर लग रहा था एस इंटू डेल्टा और यहाँ पर क्या लग रहा है एफ डब्ल्यू, और ये वो एक्सेलरेटिंग फोर्स है, यानी हमने जो इसको एक्सेलरेट करने के लिए दिया था कि जो एक्स डब्ल्यू जो था वो तो यहाँ पर था ही, लेकिन डब्ल्यू से कुछ हमने एक्स्ट्रा इसमें फोर्स दिया तब ये एक्स मूवमेंट नीचे आया, तो वो है एम इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी। तो अब हम रीस्टोरिंग फोर्स की अगर बात करें, यानी ये जो यहाँ से वापस आया आया और वापस जाएगा ऊपर, तो कितना स्टोर करेगा, रीस्टोरिंग कैपेसिटी कितनी होगी। तो जो फोर्स पहले डब्ल्यू था वो मेन था माइनस एस इंटू डेल्टा प्लस एक्स, ये हो जाएगा डब्ल्यू माइनस एस डेल्टा इंटू माइनस एस एक्स, और चूंकि डब्ल्यू इज इक्वल टू एस डेल्टा है तो यहाँ पर एस डेल्टा हमने पुट कर दिया, तो एस डेल्टा माइनस एस डेल्टा माइनस एस एक्स, तो यहाँ पर जो रीस्टोरिंग फोर्स फाइंड आउट हुआ वो है माइनस एस एक्स। ये माइनस क्यों है, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए माइनस है। अब एक्सेलरेशन फोर्स जो होता है वो मास एक्सेलरेशन और एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये डाउनवर्ड लगेगा क्योंकि एक्सेलरेशन फोर्स अभी हमने आपको बताया था ये एम इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ओके, तो हमने इक्वेट किया इन दोनों इक्वेशन को, जो रीस्टोरिंग फोर्स है और एक्सेलरेटिंग फोर्स है, इक्वेट करना ही पड़ेगा। तो हमने इक्वेट करने के बाद ये देखा कि एम इंटू डी टू स्क्वायर डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एस एक्स होगा, तो इसका ये फॉर्म भी बन सकता है एम इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एस एक्स इज इक्वल टू जीरो, और इसका एक ये फॉर्म भी बन सकता है डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एस बाई एम एक्स। ये कैसे होगा, ये जो एम है हमने इस इक्वेशन में एम को इधर ले गए, तो इधर जब ले जाएंगे तो एस बाई एम एक्स हो जाएगा। अब उसके बाद इसको हमने इस तरफ लाया लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम जानते हैं कि फंडामेंटल इक्वेशन और जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वो होता है डी टू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि इन दोनों को इक्वेट कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पर वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, तो वाइब्रेशन में भी सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइप मोशन ही होता है, तो हमने कंपेयर किया दोनों को, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों सेम है, ये पोर्शन और ये पोर्शन, यानी कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर एस बाई एम होगा। इस तरह से हमने ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट एस बाई एम फाइंड आउट कर लिया। टाइम पीरियड ये जानते हैं हम कि टू पाई अपॉन ओमेगा होता है, तो चूंकि ओमेगा हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे टू बाई एम अपॉन एस, ये उलट जाएगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा डाउनवर्ड में एम ओमेगा है इसलिए। ओके, इसी तरह से फ्रीक्वेंसी की बात करें fn, तो 1 अपॉन टी पी होता है, तो यहाँ पर 1 अपॉन टू बाई एस अपॉन एम और 1 अपॉन टू बाई इसको जी अपॉन डेल्टा भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि एम जी इज इक्वल टू एस डब्ल्यू होता है, क्योंकि हमने सबसे पहले जो स्टार्टअप किया था वहीं से लिया था एम जी इक्वल टू एस एस डेल्टा। ठीक है, तो हमने इसको जी को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर लेते हैं एंड डेल्टा इन मीटर, तो क्या होगा, तो फिर ये एफ एन 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 9.81 अपॉन डेल्टा, दिस वन इज फाइनल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फाउंड आउट 0.4985 अपॉन अंडर रूट डेल्टा हर्ट्ज। ओके, दिस इज गोइंग थ्रू द नोट। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द एनर्जी नेटवर्क।